बहरहाल हमारा असल अकीदा और ईमान तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नबुवत और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत दुनिया भर के लिए और हमेशा के लिए किफ़ायत करने वाली है, और इस बिना पर अब किसी शख्स के भी नबी होने का कोई इम्कान नहीं, और जो शख्स भी अब नबुवत का दावा करे हम उसको काज़िब और अल्लाह पर इफ्तरा करने वाला समझेंगे। हत्ता कि अगर बिलफर्ज हज़रत जुनैद बगदादी जैसी पाक सीरत रखने वाला कोई बुज़ुर्ग भी नबुवत का दावा कर बैठे तो हम उसको भी ऐसा ही समझेंगे। असल अकीदा तो ये है, लेकिन अगर बिलफर्ज नबुवत का सिलसिला जारी भी होता तब भी मिर्ज़ा साहब जैसे अखलाक व औसाफ़ रखने वाले किसी आदमी के लिए इस मकाम और मनसब का कोई इम्कान ना था। मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल को बिल्कुल आखिरी कौल समझता हूँ, और मुझे अब गुफ्तगू करते हुए डर भी लगेगा कि जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मुद्दई नबुव्वत से उसकी दलील तलब कर ली वो भी काफिर है। मैं इस कौल को मानता हूँ, और इस कौल को इस उम्मत में जो सबसे ज़्यादा बसीरत फैलाने वाले अकवाल हैं उन अकवाल में समझता हूँ। अबू हनीफा इस तरह की ज़हानती से इमाम आज़म है, तो लेकिन ये कि क्योंकि इस वक्त शायद दावती फ़ायदा उठाना मतलूब हो तो उस रुख्सत से फ़ायदा उठा कर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सच्चे नबी और झूठे नबी की पहचान का पहला दर्जा ये है कि इनमें वही फ़र्क होता है जो सच्चे आदमी और झूठे आदमी में होता है, मतलब इनके किरदार के उमूमी मज़ाहिर देखे जाएं। मतलब एक मुद्दई नबुव्वत है तो उसको किरदार के जो उमूमी महासिन हैं उस पर परखा जाए, यहाँ से आगाज़ किया जाए, उसके बाद ये देखा जाए कि नबुव्वत के जो बिल्कुल परमानेंट खवास हैं, बिल्कुल जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, वो इसके यहाँ किस तरह कार फरमाए। तो एक सच्चा नबी जो होता है वो इल्म और अखलाक के कुतबैन पर पूरे दायरे कायनाते हिदायत के वाली का दर्जा रखता है, पूरी कायनाते हिदायत इल्म और अखलाक के पोल्स पर चल रही है, नबी इसको चलाने वाला है, इसके मरकज़ में है, और इसकी तकमील का अपनी ज़ात से मज़हर है, यानी नबी अपनी ज़ात में अपनी दावत के तमाम बेहतरीन नतायज से ज़्यादा कामिल होता है। तो अगर इस पर ये एक पैमाना है, तो इस पैमाने पे अगर फंस के हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब की चीज़ों को, उनकी शख्सियत को देखें तो एकदम एक अजीब सी हिचकिचाहट होने लगेगी कि तुम एक छोटी सी चिड़िया को शाहीन के मर्तबे से परखने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ये कुछ समझ ही नहीं आता कि इनको मैं नबी होने की क्वालिफिकेशंस दरियाफ्त करने की नज़र से इस शख्सियत और इस किताबों इन किताबों को कैसे देखूं। मतलब जैसे इल्म है, नबी का इल्म हकायक के ज़ुहूर का नाम है। इल्म कहते हैं कमाले इदराक और कमाले इजहार को, उसका शऊर भी हक के मादे से बनता है, तो उसके इल्म से निकली हुई कोई बात गलत नहीं हो सकती, कोई भी बात, जब वो नबी की हैसियत से अपने इल्म का इजहार करेगा तो कोई भी बात गलत नहीं होगी, या इसको आसान करके कहें तो हक के मआरिफ में उससे गलती नहीं हो सकती, खुदा की पहचान में हिदायत की मारिफत में
वही की शनाख्त में उससे कोई गलती नहीं हो सकती, कोई आमेजिश नहीं हो सकती उसके शऊर में, ठीक है ना। मुंतहाए इल्म यही है ना कि हक मालूम हो जाए। तो नबी के अलावा कोई नहीं है जो ये कह सके कि मैं हक को हक ही के ज़रिए से जानता हूँ, लेकिन हक ने खुद को एक्सपोज किया है मुझ पर। और दूसरा है कमाले इजहार, कमाले इदराक तो वाज़ह होगा कि वो खल्क को भी उसूले हक पर जानता है, उसके हर इल्म का मालूम अल्लाह होता है। वो अगर पेड़ पे भी बात करेगा तो उसकी बात तुम्हें अल्लाह को दिखा देगी, वो हंसेगा भी तो अल्लाह के जमाल का मजहर बन जाएगा, वो गजबनाक होगा तो अल्लाह के जलाल का नुमाइंदा बन जाएगा। और इस मजहरियत और नुमाइंदगी में कोई रब्त ढूंढने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, उसका जलाल खुदा के जलाल को हाजिर कर देगा, उसका जमाल खुदा की रहमत को हुजूर में ले आता है। तो खैर ये वो है जो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी आजिज़ाना निगाह से देखते हुए अक्स करके कह रहे हैं। तो फिर दूसरा जुज इल्म का है कमाले इजहार, कि वो न सिर्फ ये कि आलिम हक हो बल्कि मुअल्लिम हक भी हो। नबी इन दोनों जहतों पर होता है, खुद आरिफ होता है और आरिफ बनाने वाला होता है। तो हादी कहते ही इसे हैं कि शऊर के जौहर को वजूद में ले आना, शऊर को वजूद पे गालिब कर दिखाना, हादी इसका नाम होता है, नबी ये हस्ती होता है। तो कमाले इजहार में कई चीज़ें आती हैं, लेकिन उनमें से मिसाल तौर पे एक चीज़ का मैं जिक्र करता हूँ कि इजहार का मकसूद है तासीर मानी पैदा करना, मानी को मुखातब के लिए मुअस्सर बनाना, यानी जो उसके दिमाग को सेराब करते हुए उसके दिल को भी सरशार कर दे, ये मानी की तासीर होती है। तो नबी का हर कलाम इस जेहते तासीर में आखिरी नमूने कमाल होता है, उसका हर्फ हर्फ जहन की खिजा को दूर करता है, कल्ब के अंधेरे को रफा कर देता है। अब इस कमाले इजहार पे अगर हम रह के देखें और उस मुंतहाए इल्म को, तो मिर्ज़ा साहब की किताबों में इल्मे हक एक एवरेज आलिम जैसा भी नज़र नहीं आता। उनकी तमाम किताबों को आप देख जाएं, उनका तसव्वुर खुदा बरामद करें, वो तसव्वुर खुदा एक आमियाना जहन से पैदा होने वाला तसव्वुर खुदा है, मैं मुआज़रत चाहता हूँ। और इसी तरह उनके नमूना हाय इजहार देखें तो वो एक अनाड़ी मुसन्निफ की तहरीरें हैं, एक चालाक मुकर्रर की तकरीरें, और एक मुतकब्बिर आदमी का सेल्फ एक्सप्रेशन है। ये मैं उनकी कोई किताब कहीं से भी खोल ली जाए उसमें ये तीन चीज़ें और झूठ, ये चार अनासिर उसका लाजमी मजमूआ है। अब झूठ तो चलो ये अब मेरे लिए तो झूठ मानने में इतनी बात काफ़ी है कि उन्होंने नबूवत का दावा किया, मतलब उनके झूठा होने की कि जो भी दीगर सबूत आप लाएंगे वो इस झूठ से बहुत ही कम होगा। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल क्लिनिकल स्केल पे ले जाके अगर देखें तो आप देखें कि वो वाकयात के बयान में गलत बयानी करते हैं, वो अपने मंसूबे जो वो वही की बुनियाद पे बनाते हैं उन मंसूबों को जब पूरा करने की कुदरत नहीं पाते तो उन मंसूबों में तहरीक करते, मतलब इस तरह के उनके बहुत सारे, या ये कि अपने नसब के बारे में जो उन्होंने यानी शजरा बदल लेने तक की जो वो एक वो मुहिम चलाई थी,
कि क्या थे, मुग़ल थे, फिर फारसी नस्ल हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो झूठ की जो आमियाना सतहें हैं ना, जो दुकानदारों की, जो सड़क पर चलने वाले रहजनों की, जो पुलिस की तहवील में आने वाले मुजरिमों में जो झूठ की जो सतह होती है, ये उस तरह की सतह है। मतलब ये एक ऐसी सतह है कि गुनहगार आदमी भी इस सतह से ख़ुद को मंसूब करना गवारा नहीं करेगा। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और उनके दावों के बारे में गौर व खौज करने का उसूली तरीक़ा है, लेकिन अहमदी हज़रात की हमेशा ये कोशिश हुआ करती है कि मिर्ज़ा साहब के मुतालिक गुफ्तगू ना हो, बल्कि हयात व ममात मसीह जैसे मसाइल पर बात हो, ताकि नावाकिफ लोग ये समझें कि मुसलमानों और अहमदियों में इख्तलाफ बस इसी नौयत का है कि मुसलमानों के नज़दीक महदी का ज़हूर अभी बाकी है और उनके यहाँ वो आ चुके हैं, या बाज़ आयतों के मानी मुसलमान उलमा कुछ और बयान करते हैं और अहमदी कुछ और। इस तरह से वो ये तासुर कायम करना चाहते हैं कि अहमदी भी मुसलमानों का एक फ़िरका है, हालांकि असल हकीकत ये है कि मुसलमानों और अहमदियों के इख्तलाफ की नौइयत दूसरे इस्लामी फ़िरकों के बाहमी इख्तलाफ से बिल्कुल मुख्तलिफ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप इख्तलाफ बर्दाश्त कर लेते हैं, इख्तरा बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई जिद्दत बर्दाश्त कर लेते हैं, छोटे मोटे जो इन्हराफात हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई हाथ बांध के नमाज पढ़ सकता है तो कोई हाथ छोड़ के पढ़ सकता है, तो कोई किसी तरावी ज़्यादा पढ़ लेता है और कोई कम पढ़ लेता है, कोई दफनों से ऊपर सलवार ले जाता है या कोई नहीं ले जाता है। ये जुज़ियात हैं, इनको असास नहीं समझते हम, या इससे भी ज़रा आगे चले जाएं तो वो चीज़ें असासी नहीं हैं। लेकिन ये जो मसला है ख़त्म नबूवत का, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, और रिसालत की एक ऐसी रिसालत जहाँ ये बाब बंद हो गया, इस चीज़ की अगर इस बंदिश को आप खोल देते हैं ना, इसकी ज़रा सी, जिस तरह कपड़े का एक ज़रा सा बखिया उधड़ जाता है ना, तो फिर आप उसे सलामत नहीं रख सकते। तो मेरा ख्याल है कि मुसलमानों की सेंसिटिविटी, ज़रूरत से ज़्यादा हसासियत आई है इसमें और आनी चाहिए थी। उसकी वजह यही है कि वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की वादानियत तो उसमें तो कोई रखना अंदाजी करना ही मुहाल है, लेकिन अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर, उनके ख़त्मी मर्तबत होने के ऊपर भी एक ज़बरदस्त मुसद्दका और मुकम्मल मोर ना लग गई और किसी को किसी भी इल्मी बहाने से, जवाब से, किसी भी इख्तरा से उसके अंदर कोई रखना अंदाजी की गुंजाइश पैदा कर दी गई और उसको बर्दाश्त कर लिया गया, तो फिर शायद ये सिलसिला ना रुके।